आज राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो लगभग हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है राजस्थान का, वो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। इसमें व्याख्या इस प्रकार है कि राज्य के बीकानेर प्रमुख जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले इस परियोजना से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। ये सभी जिले राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में आते हैं, इसमें बीकानेर मुख्य है। दूसरा प्रश्न आता है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? इसका उत्तर है खेल। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा 1982-83 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है। इसमें चयनित खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप महाराणा प्रताप का स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार वर्ष 2005-06 हेतु कृष्णा पुनिया, रेखा राठौड़, रेखा आचार्य, राजेश सैनी, महेंद्र सिंह शेखावत, जयंती लाल, नरेश डामोर, नवनीत गौतम और भागीरथ सिंह को प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न है, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर आएगा बाजरा का। व्याख्या इस प्रकार से है, देश के 29% बाजरा और 31% सरसों उत्पादन के साथ राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। भारत में 29% जौ उत्पादन के साथ राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है चित्तौड़गढ़। व्याख्या इस प्रकार से है, राज्य में सीमेंट का पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में है, में क्रिक निक्सन कंपनी द्वारा 1912-13 ईस्वी में स्थापित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का कारण यह है कि यहां पर सर्वश्रेष्ठ किस्म के चूना पत्थर की उपलब्धता पाई जाती है। राजस्थान में ऐसा शहर बताइए जहां पीले पत्थर बहुतायत से पाए जाते हैं। इस शहर का नाम है जैसलमेर। व्याख्या इस प्रकार से है, जैसलमेर जिले में पीले पत्थर के बहुतायत से पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि जैसलमेर का ऐतिहासिक सोनार किला भी पीले पाषाणों से निर्मित है। प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर है उत्तर पश्चिम। राज्य के बीकानेर प्रमुख जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले इस परियोजना से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? उत्तर है जैसलमेर में। इसकी व्याख्या इस प्रकार, राजस्थान में सर्वप्रथम 1956 में हवाई चुंबकीय सर्वेक्षण द्वारा जैसलमेर जिले में प्राकृतिक तेल एवं गैस होने की जानकारी मिली थी। 1983 ईस्वी में घोटारू जैसलमेर में प्राकृतिक तेल एवं गैस के भंडार मिले हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर जिले में प्राकृतिक तेल एवं गैस की खोज का कार्य चल रहा है। यह खोज कार्य केयर्न एनर्जी कंपनी, फोकस एनर्जी लिमिटेड वेनेजुएला और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के द्वारा किया जा रहा है।